का आगामी 13 और 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। मुख्य तौर पर यह प्रदर्शन धान खरीद को लेकर किया जाएगा। इस प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को सलाह दी है कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें दिल्ली जाकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में किसान समर्थन मूल्य में अनाज खरीदने की मांग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम पहले से ही समर्थन मूल्य में धान की खरीद कर रहे हैं, इसलिए यहां किसी तरह का कोई आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। इनको तो मैं सलाह दिया था दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली में किसान समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की मांग कर रहे हैं पूरे देश में हो, और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं, मक्का खरीदी कर रहे हैं, गन्ना खरीदी कर रहे हैं, तो यहां तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भी लाभ किसानों को मिल रहा है, तो यहां आंदोलन करने का औचित्य नहीं है। वो लोग तो भारत सरकार के पास जाके ये लोग चिट्ठी लिख दे कि किसानों के धान जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है उसी प्रकार से पूरे देश में हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के एक ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा, राज्य में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह जब घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो उन्हें यह कैसे पता चलेगा। दरअसल रमन सिंह ने राहुल गांधी के किए गए वादे को याद दिलाते हुए कहा था कि हर जिले हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग कारखाना लगाए जाने का वादा किया गया था, पर भूपेश बघेल आधा समय तो आत्ममुग्धता में बिता दिए, अब तो कुछ काम कीजिए। उनके ट्वीट पर सीएम ने यह पलटवार किया है। रमन सिंह जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री की धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें, अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए है, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं। दूसरी बात, एथनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अतिशेष जो धान बचेगा हम उसके एथनॉल बनाना चाहते हैं। डेढ़ साल हो गया, पौने दो साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्री लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है। नहीं, अभिमान होना चाहिए, धान भी हमारा अभिमान है, गौरव है, मगर उस धान के लिए किसान जितनी हालत उसकी खराब हुई है, जितना रो रहा है आंसू, किसान यदि आत्महत्या कर रहा है रकबा कम करने में, किसान यदि धान खरीदी में आज लगातार एक महीने बाद तो धान खरीदी शुरू किए, उसके बाद चार दिन पाँच दिन फिर बंद हो गया, किसान के घर में धान पड़ा है, सूखत हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसकी खरीदी की कोई सिस्टम नहीं बना है, आधा से ज़्यादा धान खरीदी अभी बाकी है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। आज तो रुला